हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है एविकेट फैमिली में। आज की जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिम और एक्सटेंड। ध्यान से रहिएगा इस क्लास में, क्योंकि ट्रिम और एक्सटेंड अपन हमेशा यूज़ करते हैं अपने सॉलिड वर्क्स में। ठीक है, सॉलिड वर्क्स में ही नहीं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कैटिया हो, जो भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें ट्रिम और एक्सटेंड का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर है ट्रिम और एक्सटेंड है यहाँ इसके नीचे। ठीक है, एक्सटेंड एंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो है ट्रिम। मैं यहाँ पर ट्रिम लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले होगा पावर ट्रिम। अपन ज्यादातर इस सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं वो पावर ट्रिम ही है। ठीक है, जैसे कि पावर ट्रिम यूज करने के लिए मुझे जैसे कि ये वाली लाइन ट्रिम करनी है, इससे पहले यहाँ पर जाइएगा और लेफ्ट क्लिक करिएगा और उसको दबा के रखिएगा। ड्रैग करना है अपन को। ठीक है, उसको दबा के रखिएगा और ड्रैग करिएगा तो देखिए ये लाइंस डिलीट होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज जो है नोटिस करने जो बात है वो है यहाँ पर एक, ये देखिए रेड डॉट दिखा रहा है। इस रेड डॉट पर मैं जाऊँगा तो जो लाइन डिलीट हुई है वो वापस से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस लाइन, इस डॉट पर जाऊँगा, ये देखिए जैसे कि अब यहाँ पर रेड डॉट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और वापस से पीछे जा कंट्रोल जेड भी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वापस से पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन मेनली यूज जो करते हैं वो पावर ट्रिम करते हैं। पावर ट्रिम के लिए लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिएगा और ड्रैग करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है कॉर्नर। जो भी कॉर्नर अपन को, जैसे कि ये वाला कॉर्नर मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो इसके बाद वाला जितना भी है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, लेकिन सबसे अच्छा है पावर ट्रिम यूज करिएगा। ठीक है, अब ट्रिम अवे इनसाइड और ट्रिम अवे आउटसाइड क्या है? ठीक है, ट्रिम अवे इनसाइड लेता हूँ मैं पहले, और मैं इस इन दोनों लाइंस की बीच की जो लाइन्स है इन्हें डिलीट करना है। तो देखिए इन दोनों लाइन्स को क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो लाइन नहीं चाहिए उस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ट्रिम अवे इनसाइड हो गया। ठीक है, दोनों लाइन्स की बीच की जो लाइन है वो डिलीट हो गई। ठीक है, मैं इसको भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अभी ये ब्लू कलर की लाइन है, मैं यहाँ पर इसके पास भी जाऊँगा तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो जो चीज़ डिलीट होगी उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था ट्रिम अवे इनसाइड। अब ट्रिम अवे आउटसाइड लेता हूँ। ठीक है, सेम दोनों लाइंस को लेता हूँ। ठीक है, अब जो लाइंस डिलीट करनी है उस पर क्लिक करता हूँ। पहले क्या था, अंदर की लाइन डिलीट हो रही थी, अब क्या लिया अपन ने, ट्रिम अवे आउटसाइड, तो क्या हुआ, बाहर की लाइन डिलीट होती जा रही है। ठीक है, तो इजी है। अब ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ठीक है, जो चीज़ अपन को ट्रिम करनी है, जहां से करनी है उसके सिर्फ जहां पर क्लिक करेंगे तो जहां तक भी वो ट्रिम होएगी वहां तक अपने आप वो ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, एक लिमिट लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड देखने के लिए देखिए ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही, क्यों, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस लाइन को देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए एक्सटेंड हो गया है। इस लाइन पर भी क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक्सटेंड हो गया है, पर ये मैं इस डायरेक्शन पर करूंगा तो देखिए ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिट होना जरूरी है। जैसे कि अभी ये देखिए ये वाली लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट सेट कर देता हूँ कि यहाँ तक सेट होनी, एक्सटेंड होनी ये वाली लाइन। पहले ये वाली लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जाता हूँ एक्सटेंड एंटिटीज और ये वाली लाइन पर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए अभी एक्सटेंड हो चुका है। तो एक लिमिट लाइन होनी, लिमिट लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है एक्सटेंड होने के लिए। ठीक है, तो क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।